जीवन का सामान्य दर्शन एक पंक्ति में देता हूं कि यार जेब में जब लाखों हो ना तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं। जेब में जब लाखों हो ना तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं। ऐसी मिसाल यहां हजार खड़ी होती है, पर जब जेब में कुछ भी ना हो ना तो 100 रुपए मिलना भी बात बहुत बड़ी होती है। चरित्र क्या लिखा उन्होंने, लिखा कि जब भगवान राम ने हमला किया लंका पे और पुल बनाने की बारी आई, समंदर पे नल और नील नाम के दो वानर शिलाएं उठाते, पत्थर उठाते, उस पे श्री राम लिखते, पानी पे छोड़ते, तैर उठता पत्थर। अब जब ये खबर जब पहुंची लंका में तो जनता में हाहाकार मच गया, बोले जिस राजा ने हम पे हमला किया वो तो मायावी है, उसके नाम के पत्थर तैरते, हम तो मर जाएंगे। रावण ने कहा चिंता मत करो, आओ समंदर के किनारे पे मैं भी दिखाता हूँ। रावण लेके गए सबको, पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा, उस पत्थर को पानी में छोड़ा, वो पत्थर भी तैर उठा। जनता बेहद प्रसन्न, बोले हमारे राजा को भी कला आती है, सो गए जाके। रात को मंदोदरी शयन कक्ष में एक सवाल करती है कि हे मेरे प्राणनाथ, मैं जानती हूँ तुम पानी में पत्थर तैरा नहीं सकते, किया तो किया कैसे? रावण ने कहा कि मैंने शिला उठाई, मैंने पत्थर उठाई, उस पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और कहा तुझे श्री राम की सौगंध अगर डूब गया तो। चाइनीज से लेकर इटालियन तक चटकारे ले लेके खाते हो, शादियों में 150 आइटम के स्टॉल लगाते हो, खाओ यार खाओ, खूब खाओ, पैसा है तो जाओ, दुनिया में जहां जा सकते हो जाओ, पेरिस का बर्गर खाओ, न्यूयॉर्क की ब्रेड खाओ, वेनिस का पिज्जा खाओ, दुनिया में जहां जा सकते हो जाओ, जितना खा सकते हो खाओ, लेकिन और कहां जाओगे, कितना खाओगे? और सब कुछ खा लेने के बाद दावा है मेरा, माँ के हाथ की रोटी का स्वाद कहां से लगेगा। वाह क्या बात है भैया, वाह वो हाथ जिनसे वो घंटों तक मसालों का नाप देखती थी, वो हाथ जिनसे वो सिगड़ी पे दाल सेकती थी, वो हाथ जो प्यार से मसाला डालती थी, वो जो सबको खिला के खुद खाती थी, वो जो घंटों तक उस दाल को पकाती थी, आज अच्छे से अच्छे भोजन का तुम कर सकते हो प्रबंध, पर वो माँ के हाथों की गंध, सच सच बताना यार मिस करते हो कि? वो शादियों में जाने पर 5-5 कोल्ड ड्रिंक उंडेलना वही मिलता था, शादियों में जहां कोल्ड ड्रिंक की टेबल वहां अपन ये देना, दो के बाद जब वो आंख दिखाता था वो मंगा रहा है, मोहल्ले में कौन सा कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, फेंटा, आज के बच्चों को नसीब है, हमारे तो पूरे मोहल्ले में आई लव यू रसना, एक बाल्टी पानी, एक पैकेट रसना, 1.5 किलो शक्कर, पूरा मोहल्ला साफ। और हमारे मोहल्ले में तो इतना ऑरेंज रसना पिलाया गया मुझे कि मेरी जबान भगवा हो गई है, लोग कहने लगे इसका जबान सांप्रदायिक है। वाह 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 वाह। और क्या, आप देखो इतने सारे लोग फोन लेके बैठे, तब मैंने कहा बापू ये कहा कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी, ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। लाना, वो छत पे जाना, एंटीना हिलाना, एक प्रोसेस होता था बापू, पूरे खानदान को काम पे लगाने का तरीका एंटीना होता था, तीन भाई हो तो तीनों काम पे लगते थे, एक छत पे, एक सीढ़ियों में, एक टीवी के पास, सत्य है, तीनों काम पे लगे, हिला हिला हिला, थोड़ा यूं कर, थोड़ा यूं कर, आया क्या, आया क्या, नहीं नहीं आ गया, रुक रुक, एक बार मिलके जरा, हाँ तो। है, वाह, पाने की दौड़ में जो खो दिया उसका एहसास है, हमारे बच्चों को पता ही नहीं, आप लोगों ने घर घर में इन्वर्टर लगा दिए, आपने जनरेटर लगा दिए, बिजली जाने का सुख क्या होता है हमारे बच्चे जानते ही नहीं। वाह वाह, बचपन में बिजली जाती थी हम सारे मोहल्ले में बच्चे ओ हो करके बाहर, जब वापस आती थी ओ हो करके अंदर, एक ही बिजली 2 बार सुख देती थी, जाने का भी आने का भी, और बीच में तो सुख देती ही थी। ये सौंदर्य था जीवन का, कितना खो दिया हमने इन बच्चों को। हमारे घर में सब्जी बनती थी, हम पड़ोस के घर में रख के आते थे, ताला लगाते थे, चाबी पड़ोस के घर में रखते थे, घर का कोई भी आदमी आएगा चाबी लेके खोल देगा, आज क्या ताले नहीं है, चाबियां नहीं है, ताले हैं चाबियां हैं पर उनका आभास खत्म हो गया है, पड़ोसी है पर विश्वास खत्म हो गया है, और जब विश्वास खत्म हो जाए, आज महंगी से महंगी कार में पास में बीवी बैठ जाए ना तो लगता है इसी दिन के लिए तो परिश्रम के चक्कर लगाता था, पर जब वो स्कूटर के पीछे बैठ के कमर पकड़ती थी ना, दिल मचल मचल जाता था। फिर से वो स्कूटर वाले दिन लौट आए, ये ख्वाहिश करते हो कि नहीं,
सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? बैंक खड़े हैं दरवाजे पे, जितना चाहिए मिलता है, लोन देने वालों का चेहरा तुम्हें देख के खिलता है। लो, खूब लो, देने वाले हैं तो खूब लो, करोड़ों का व्यापार है, चुकाने की कोई चिंता नहीं, रोटेशन शानदार है, पैसा ही पैसे को खींचता है, बिल्कुल शुद्ध है, बात बिल्कुल बहुत सही है। लेकिन आज पैसे के दम पर तुम हर बिजनेस खिला लोगे, पर वो दोस्त से लिए हुए 100 रुपए उधार भुला लोगे। अच्छा ये तो चाइनीज खाना तो ऐसा है, मैं तो नाम से नहीं खाऊंगा, इतने वल्गर नाम है, खाते ऐसा लगता है गाली दे रहा है, क्या लाया मंचूरियन, थारा बाप मंचूरियन, उच्चारण ही गाली जैसा है, मंचूरियन खाना ही ऐसा, इटालियन तक चाइनीज, इटालियन से लेके चाइनीज तक चटकारे ले लेके खाते हो। मैं रमेश भाई के वहां शादी में गया, बेटे की शादी में गया, शूटिंग के बीच में सदा 10 मिनट के लिए था, इतने आइटम लगे हुए वहां कि सलाद से लेके मिठाई तक जाने में रिक्शा करना पड़े।